हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे एक सेक्शन और डिस्कस कर रहा हूँ। सेक्शन 46 कैपिटल ए, ठीक है, इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें इस बार एक अमेंडमेंट भी आई है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, इम्पॉर्टेंट लिख लो, एग्ज़ाम्स में आ सकता है, इस पर इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, सेक्शन 46 कैपिटल ए किसकी चीज़ के बारे में? बायबैक। लॉ में आपने पढ़ा हुआ है सेक्शन 68 बायबैक के बारे में। अच्छा, वो आपने पढ़ा था एज पर योर कंपनीज एक्ट, अब हम पढ़ेंगे एज पर योर इनकम टैक्स एक्ट, मतलब उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। ध्यान से देखना, बायबैक ऑफ शेयर्स, ठीक है, एंड अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज विच आर स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर रखी है स्पेसिफाई। फिलहाल मेरी बात ध्यान से सुना। अच्छा, मैंने क्या करा है, मैंने ना ये चार्ट बनाया है इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ध्यान से देखनी है। पता है क्या, इस सेक्शन में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो मैंने इसमें दो चीजें कवर्ड हैं, बायबैक ऑफ शेयर्स और बायबैक ऑफ अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। तो शेयर्स का बायबैक अलग कवर किया है मैंने, और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का बायबैक अलग से कवर किया है। देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मैंने क्या करा है, इसको अभी रहने देना, इसको देखना। बायबैक ऑफ शेयर्स को भी दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। कौन कौन से दो पार्ट्स हैं? बायबैक ऑफ शेयर्स बाय डोमेस्टिक कंपनी और बायबैक ऑफ शेयर्स बाय फॉरेन कंपनी। तो मुझे बताओ, पहले केस में बायबैक कौन कर रहा है? डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है। डोमेस्टिक कंपनी मतलब आप इंडियन कंपनी कह सकते हो। इंडियन कंपनी मतलब जो कंपनीज एक्ट 2013 में क्या है, रजिस्टर्ड। तो बायबैक ऑफ शेयर्स बाय डोमेस्टिक कंपनी, बायबैक किसने किया है? डोमेस्टिक कंपनी ने, इंडियन कंपनी ने। किस चीज का बायबैक किया है? शेयर्स का बायबैक किया है। ध्यान से सुनना, पता है एक बात याद रखना, अगर बायबैक डोमेस्टिक कंपनी करती है ना शेयर्स का, कौन कर रहा है बायबैक? डोमेस्टिक कंपनी। किसका? शेयर्स का। तो सेक्शन 46 ए अट्रैक्ट नहीं होता है, अप्लाई नहीं होता है। उस केस में एक सेक्शन है, सेक्शन 115 क्यू ए, वो अप्लाई करता है। हाँ, अगर बायबैक शेयर्स का किसने किया है? फॉरेन कंपनी ने, तो सेक्शन 46 ए क्या करता है? अप्लाई करता है। तो एक बात याद रखना, सेक्शन 46 ए बायबैक ऑफ शेयर्स बाय डोमेस्टिक कंपनी के केस में अप्लाई नहीं होगा। उस केस में सेक्शन 115 क्यू ए अप्लाई होगा। और अगर बायबैक शेयर्स का फॉरेन कंपनी ने किया है, तो उस केस में 46 ए क्या करता है? अप्लाई। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, ये सेक्शंस कहते क्या है, पहले मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा हूं, बाकी ये तो सिंपल है। ये देखना, एक काम करो, ये जो चार्ट है ना, इसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो ये चार्ट आप वहां से कॉपी कर लेना, ठीक है। फिलहाल समझेंगे। देखो, मेन जो हमें केस समझना है वो है बायबैक ऑफ शेयर्स बाय डोमेस्टिक कंपनी। मैंने क्या कहा, अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी शेयर्स को बायबैक करती है ना, तो सेक्शन 46 ए अप्लाई नहीं करता है, 115 क्यू ए अप्लाई करता है। अब ये सेक्शन कहता क्या है वो हमें थोड़ा सा समझना है। देखो, बात समझना, देखो ये कंपनी है ए लिमिटेड, ये कंपनी है, पता है जो कंपनीज होती है ना, उनका कोई एक शेयर होल्डर थोड़ा ना होता है, हजारों लाखों शेयर होल्डर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल थोड़ा सा ले रहा हूं, इस कंपनी का एक शेयर होल्डर है बी सी डी ई एफ
जी ऐसे बहुत सारे और शेयर होल्डर्स होंगे। अब सुना, कंपनी ने इन सबको शेयर्स क्या कर रखे हैं, इशू। कंपनी ने इन सबको शेयर्स क्या कर रखे हैं, इशू। जैसे एग्जांपल, बी को इशू कर रखे हैं 1000 शेयर्स, सी को 500 शेयर्स, डी को 700 शेयर्स, ई को 2000 शेयर्स, एफ को 300 शेयर्स, जी को 1000 शेयर्स। ये शेयर्स इश्यू कर रखे हैं ए लिमिटेड ने हर शेयर होल्डर को। अब ए लिमिटेड क्या कर रही है, इन लोगों से शेयर्स को क्या कर रही है, वापस से परचेज कर रही है। पहले तो इशू करा था, अब वापस से इनसे ये शेयर्स क्या कर रही है, खरीद रही है। तो बीस ए बी से खरीदेगी, सी से, डी से, ई से, एफ से, जी से। ये कंपनी हर किसी से शेयर्स क्या करेगी, परचेज। अब सुनो, बात समझना ध्यान से। अब ये शेयर होल्डर्स कंपनी को अपने शेयर्स क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर। भाई बी ने अपने शेयर्स करे ट्रांसफर, सी ने अपने शेयर्स ट्रांसफर करे, डी ने अपने शेयर्स ट्रांसफर करे, ऐसे ही ई ने, एफ ने, जी ने, सब ने अपने शेयर्स ट्रांसफर करे। अच्छा, शेयर इज अ कैपिटल असेट और ट्रांसफर भी है, इनके हैंड्स में क्या राइज करेगा, कैपिटल गेन अराइज करेगा, है ना। अच्छा सुनना, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा। अब कैसे निकालोगे कैपिटल गेन्स, दो चीजें मेन चाहिए होती हैं। कौन कौन सी दो चीजें, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, और क्या चाहिए होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। दो मेन चीजें चाहिए होती, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं एग्जांपल दूंगा आपको, देखो सब सबके लिए सेम ही अज्यूम कर रहा हूं। देखो, बी ने ये शेयर जो खरीदा था कंपनी का, ये 50 रुपए के हिसाब से खरीदा था, सी ने भी 50 के हिसाब से, डी ने भी 50 के हिसाब से, सबने 50 के हिसाब से खरीदा है। और कंपनी जो कंसिडरेशन पे कर रही है इन शेयर्स के बदले, वो पे कर रही है 70 रुपए का। तो मुझे बताओ, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना होगा, 70 रुपए, है ना, एक शेयर पे निकाल लेते हैं। और बी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी, 50 रुपए। तो सीधे सीधे, मतलब मैंने इंडेक्सेशन वगैरह नहीं करी है, सिर्फ समझाने के लिए, सीधे सीधे कैपिटल गेन एक शेयर पे कितने रुपए का आ गया, 20 रुपए का। तो बी के पास 1000 शेयर है, तो 1000 शेयर पे 20,000 का, सी के पास 500 शेयर है 20 के हिसाब से 10,000 का, डी के पास 700 शेयर है 20 के हिसाब से 14,000 का। इस हिसाब से हम क्या निकाल लेंगे, इनका कैपिटल। लेकिन अब सुनना, अब सेक्शन 115 QA ने क्या कहा, ध्यान से सुनो, 115 QA ने क्या कहा कि, पता है गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि हम क्या करेंगे, बी से, बी को कितना कैपिटल गेन आया था, एक शेयर पे 20 रुपए, तो 1000 शेयर पे 20,000, तो बी को कैपिटल गेन आया 20,000 रुपए का। अच्छा, गवर्नमेंट कह रही है कि हम बी से 20,000 के कैपिटल गेन पे हम टैक्स मांगेंगे, बी इस कैपिटल गेन पे क्या देगा, टैक्स देगा। ऐसे ही सी एक शेयर पे 20 रुपए का, तो 500 शेयर पे 10,000 रुपए के कैपिटल गेन पे सी टैक्स देगा, 14,000 रुपए के कैपिटल गेन पे डी देगा, 40,000 रुपए के कैपिटल गेन पे ई देगा, 6,000 रुपए के कैपिटल गेन पे एफ देगा, और 20,000 के कैपिटल गेन पे जी देगा। तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम इनसे टैक्स कलेक्ट करने के बजाय, देखो अभी तो ये 6 लोग हैं, मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, भाई कंपनी के तो लाखों करोड़ों शेयर होल्डर्स होते हैं। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम लाखों करोड़ों लोगों से, करोड़ों शेयर होल्डर्स से टैक्स मांगने के बजाय हम एक काम करते हैं ना, एक ही जने से टैक्स ले लेते हैं। और कौन है वो, कंपनी। मतलब पता है, गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम शेयर होल्डर से टैक्स नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे,
क्योंकि भैया हम नहीं हिसाब रख सकते 1 करोड़ शेयर होल्डर्स हैं, कौन टैक्स दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, कोई पैसा लेके भाग गया, हम हिसाब नहीं रखेंगे। हम शेयर होल्डर से टैक्स नहीं लेंगे इस इनकम पे, इंस्टेड इस इनकम पे टैक्स किसको देना पड़ेगा, कंपनी को। इस इनकम पे क्या देना पड़ेगा, टैक्स। मतलब बात समझना, मतलब ये जो कैपिटल गेन बी ने कमाए हैं, सी ने कमाए हैं, डी ने, ई ने, एफ ने, जी ने, गवर्नमेंट ने इस कैपिटल गेन को ना शेयर होल्डर्स के हैंड में क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034 कैपिटल ए। तो शेयर होल्डर्स के हैंड्स में ये कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो गया 1034 ए में। गवर्नमेंट कह रही है हम लाखों करोड़ों लोगों से लेने के बजाय हम एक काम करते हैं, सीधे टैक्स किससे ले लेते हैं, कंपनी से ले लेते हैं। तो कंपनी पे लगाया गया टैक्स पता है कितना, 20%। 20% पे 12% का सरचार्ज है और 4% का सेस है। तो 20 पे 12% ऐड करना, करो कैलकुलेटर्स पे, 20 + 12% + 4% तो इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स 23.296% का टैक्स आता है। ये टैक्स हम किससे लेंगे, कंपनी से लेंगे अंडर सेक्शन 115QA। ये टैक्स हम कंपनी से लेंगे अंडर सेक्शन 115QA। ये 23.296% किसका, वर्ड जो बोला गया है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम बोला गया है। और मैं आपको बता देता हूं डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम का मतलब, ये भाई जिस पे टैक्स, मेरी बात सुनो, जिस पे टैक्स वैसे शेयर होल्डर दे रहे थे उसी पे टैक्स अब कौन देगी, कंपनी देगी। तो मुझे बताओ, शेयर होल्डर एक शेयर ₹20 पे टैक्स दे रहे थे ना, पर शेयर ₹20 पे टैक्स दे रहे थे, तो उसी ₹20 पे अब कौन टैक्स देगी, कंपनी देगी। किस रेट पे, 23.296% के हिसाब से कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, ये ₹20 आपने फॉर्मूला क्या बनाया था, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन मैं आपको एक बार बताऊं, ये जो वर्ड्स आपने बोले हैं ना, ये हैं शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब टैक्स शेयर होल्डर को तो देना नहीं है, टैक्स तो किसको देना है, कंपनी को। तो कंपनी के लिए इन वर्ड्स को ना हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ना 70, इसे हम बोलते हैं बायबैक प्राइस पर शेयर। हम कितने रुपए पे बायबैक कर रहे थे, 70 रुपए पे, और ये ₹50 जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना, वो इनके लिए कॉस्ट है ना, कंपनी के लिए तो वो इश्यू प्राइस है पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स कर दो। लो, ये आपकी आ गई डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। इस डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पे 23.296% के हिसाब से कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 115QA। और यही ₹20 शेयर होल्डर के हैंड में क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा 1034A में। तो मुझे बताओ, ₹20 पर बस इतना ही तो हुआ है ना चेंज। ₹20 पे वैसे टैक्स किसको देना था, शेयर होल्डर को। अब इस ₹20 पे टैक्स कौन दे रही है, कंपनी दे रही है। किस रेट पे, 23.296% पे अंडर सेक्शन 115QA। पक्का, ठीक है। अच्छा, अभी कुछ काम की बातें आपको बताऊंगा, देखना जरा। ये देखो, तो हमारा ना डोमेस्टिक कंपनी का हमारा केस हो गया। इसमें अभी एक बात मेरे को अभी और बतानी है, वो मैं लास्ट में बताता हूं, 2 मिनट। अच्छा, अगर मैं बात करूं फॉरेन कंपनी की और बायबैक ऑफ अदर सिक्योरिटी की, इसमें कोई चेंज नहीं है। मतलब सुनना, अगर शेयर्स का बायबैक डोमेस्टिक कंपनी ने नहीं करा बल्कि फॉरेन कंपनी ने करा है शेयर्स का बायबैक, तो उस केस में कंपनी के हैंड्स में कोई टैक्स नहीं आता है। किसके हैंड्स में टैक्स आएगा, शेयर होल्डर्स के हैंड्स में। कैपिटल गेन आएगा अंडर सेक्शन 46A। वही सेम बात है, कुछ चेंज नहीं।
फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? बाय बैक प्राइस पर शेयर ₹70। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? इश्यू प्राइस पर शेयर ₹50। बस लो, कुछ चेंज नहीं है, कुछ चेंज नहीं है। बस मान के चलना पिछले वाले एग्जांपल में ए लिमिटेड डोमेस्टिक कंपनी की जगह फॉरेन कंपनी है। अगर ए लिमिटेड फॉरेन कंपनी है और वो अपने शेयर होल्डर से शेयर्स को बायबैक कर रही है तो फॉरेन कंपनी के हैंड्स में कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा, उन्हें टैक्स नहीं देना है। इंस्टेड टैक्स शेयर होल्डर को ही देना पड़ेगा, जो नॉर्मली होता है। पक्का? और अगर आपने अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बायबैक करी हैं तो भी यही होगा, सेक्शन 46A अप्लाई करेगा। कंपनी को टैक्स देने की जरूरत नहीं है, शेयर होल्डर को टैक्स देना पड़ेगा, कैपिटल गेन आएगा अंडर सेक्शन 46A। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किसको मानोगे? बायबैक प्राइस। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? इश्यू प्राइस। बस ठीक है। चलो मैं एक बात ना छोटी सी आपसे और कर लूं, जरा सुनना मेरी बात। पता है जो अमेंडमेंट आई है ना, अमेंडमेंट आई है, ध्यान से सुनना मेरी बात, देखो ध्यान से सुनिए मेरी बात, जो अमेंडमेंट आई है ना वो आई है विद इफेक्ट फ्रॉम 5th July 2019। अमेंडमेंट आई है विद इफेक्ट फ्रॉम 5th July 2019। पता है 5th July 2019 से पहले क्या था? सुनना, मैं सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी के केस में बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। बायबैक ऑफ शेयर्स बाय डोमेस्टिक कंपनी, बायबैक ऑफ शेयर्स बाय डोमेस्टिक कंपनी। पता है 5th जुलाई से पहले क्या था? मैं आपको सिचुएशन करा रहा हूं प्रायर टू 5th July 2019। पता है 5th July 2019 से पहले क्या था? शेयर्स दो तरह के थे, लिस्टेड और अनलिस्टेड। ठीक है, अब पता है ये जो सेक्शन 115QA है ना, ध्यान से सुनना, ये जो सेक्शन 115QA है ये 5th July 2019 से पहले सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी पे अप्लाई करता था। सेक्शन 115QA एप्लीकेबल ओनली ऑन अनलिस्टेड कंपनी, सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी पे क्या करता था? अप्लाई। मतलब अगर कोई अनलिस्टेड डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक करती है तो उसे टैक्स देना पड़ेगा सेक्शन 115QA में 23.296% का। शेयर होल्डर के हैंड्स में वो कैपिटल गेन क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034A। लिस्टेड कंपनी पे 5th July 2019 से पहले सेक्शन 115QA अप्लाई नहीं करता था, इस पे सेक्शन 46A ही अप्लाई करता था। मतलब 5th July 2019 से पहले अगर लिस्टेड कंपनी कोई शेयर्स बायबैक करती है ना तो उसे टैक्स नहीं देना है, इंस्टेड शेयर होल्डर के हैंड्स में टैक्स आएगा, शेयर होल्डर के हैंड्स में कैपिटल गेन आएगा। तरीका वही है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा बायबैक प्राइस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी इश्यू प्राइस। अब उन्होंने चेंज क्या करा? आफ्टर 5th July 2019 अब चेंज क्या करा? अब उन्होंने लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी दोनों पे ही सेक्शन 115QA लगा दिया है। मतलब 5th July 2019 के बाद लिस्टेड कंपनी बायबैक करे
या अनलिस्टेड कंपनी बायबैक करे उसे ही टैक्स देना पड़ेगा 23.296% के हिसाब से। शेयर होल्डर के हैंड्स में वो इनकम क्या रहेगी, एग्जेम्प्ट। 5 जुलाई से पहले अगर लिस्टेड कंपनी बायबैक करती है तो उसे टैक्स नहीं देना है, शेयर होल्डर को देना है, और अनलिस्टेड बायबैक करती है तो उसे देना पड़ेगा, शेयर होल्डर के हैंड में एग्जेम्प्ट रहेगा। तो मेरे ख्याल से बात क्लियर हुई। 5 जुलाई से पहले लिस्टेड कंपनी को सेक्शन 46 से फॉलो करना पड़ेगा, मतलब उसे टैक्स नहीं देना है, शेयर होल्डर को टैक्स देना पड़ेगा, कैपिटल गेन आएगा शेयर होल्डर्स के हैंड्स में, तरीका वही होगा। अनलिस्टेड कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा सेक्शन 115QA, फॉलो करना पड़ रहा था 115QA। अब 5 जुलाई 19 के बाद लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों ही 115QA के दायरे में आ गई हैं। तो याद रखना, अनलिस्टेड तो पहले भी 115QA फॉलो कर रही थी और अब भी 115QA ही फॉलो करेगी, मतलब अनलिस्टेड को टैक्स पहले भी अपनी जेब से देना था, अब भी अपनी जेब से ही देना है। हाँ, लिस्टेड कंपनी का थोड़ा आपको ध्यान से करना पड़ेगा, लिस्टेड कंपनी को 5 जुलाई 19 से पहले 46A फॉलो करना पड़ता था, मतलब उसके हैंड्स में टैक्स नहीं आता था, शेयर होल्डर के हैंड्स में टैक्स आता था, लेकिन 5 जुलाई के बाद लिस्टेड कंपनी के हैंड्स में टैक्स आएगा 23.296% के हिसाब से। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। ये अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, डेट जरूर देख लेना, बायबैक कब हुआ है, 5 जुलाई के बाद हुआ है या 5 जुलाई से पहले, लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। अनलिस्टेड है तो फर्क नहीं पड़ता पहले हुआ है या बाद में, हाँ लिस्टेड है तो देख लेना जरूर कि 5 जुलाई से पहले बायबैक हुआ है या 5 जुलाई के बाद हुआ है। अगर 5 जुलाई से पहले हुआ है तो कैपिटल गेन आएगा शेयर होल्डर के हैंड में, अगर 5 जुलाई के बाद हुआ है तो 115QA अप्लाई करेगा और कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा 23.296% के हिसाब से, और शेयर होल्डर के हैंड में वो एग्जेम्प्ट होगा 1034A में। ठीक है, आज के लिए बहुत है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।